नमस्कार, मैं प्रीति पुद्दार और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। जिला मुंगेर में एक बार फिर से कोरोना वायरस का बम विस्फोट हुआ है। ताजा मामला है असरगंज प्रखंड के उच्च विद्यालय ममई में। कोरोना वायरस जांच शिविर का आयोजन गुरुवार को किया गया था। शिविर में 75 स्कूली छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों की जाँच में 25 स्कूली छात्र छात्राएं एवं 2 शिक्षक और 1 आदेशपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 22 छात्र छात्राओं में 18 छात्राएं एवं 4 छात्र शामिल हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों में कोरोना वायरस के किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिख रहे थे। सभी शिक्षक व बच्चे उच्च विद्यालय ममई के हैं। सभी पॉजिटिव छात्र एवं छात्राएं असरगंज प्रखंड के विभिन्न गाँव के रहने वाले हैं। पॉजिटिव की खबर सुनकर प्रखंड क्षेत्र में खलबली मच गई है। फिलहाल सभी पॉजिटिव छात्र छात्राएं विद्यालय से अपने घर चले गए हैं और अपने घर में ही हैं। सभी पॉजिटिव छात्र छात्राएं असरगंज प्रखंड के विभिन्न गांव के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी मिलते ही विशेष जानकारी लेने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र। विशेष जानकारी लेने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज, जहां सभी बच्चों सहित शिक्षक और आदेशपाल को होम आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है। 25 केसेस पॉजिटिव पाए गए, आउट ऑफ 75 में 25 केस पॉजिटिव पाए गए। इसके सूचना मिलने के उपरांत ही मैंने वहां के प्रभारी से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट आज के दिन जो 25 घर के बच्चे हैं या जो पॉजिटिव हुए हैं उनके हाउस में जाके घर में जाके सारे लोगों का टेस्ट करना है और वो कंटेनमेंट जोन में घोषित हो जाएगा और कल से हाउस टू हाउस सर्वे मतलब वो टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जो बचे हुए केस अगर कोई ऐसे हैं तो उसका स्कैनिंग हो सके और पॉजिटिव है तो आइसोलेशन। सर एक चीज, टेस्ट जो ऐसा लगता है कि संदेह नहीं, वो स्कूल में जाके लोग किए थे। अच्छा, और चूँकि स्कूल शायद खुलने की बारी या खुला होगा जानकारी नहीं है, तो उसी में जाके किए क्योंकि टीचर भी उनमें 3 थे। तो स्टार्ट हुआ होगा, इनके मन में आएगा कि एक बार स्क्रीनिंग कर लें, प्लान बनाए होंगे कि स्कूल में भी जाके स्क्रीनिंग करते हैं। मेडिकल टीम की भी गठन की गई, उसको भी भेजा जाएगा सर? हाँ हाँ, वो सारे लोग अभी कार्य कर रहे हैं वहाँ। थोड़ी देर पहले ही निर्देशित कर चुके हैं, जैसे खबर में आया हमने उनको। क्या सभी को क्वारंटीन सेंटर लाया जाएगा कि वहीं पर होम क्वारंटीन में? क्या सिम्टम्स अगर वैसी होगी या जिनको दिक्कत होगी, अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आना चाहेंगे, आइसोलेशन वार्ड में रहना चाहेंगे, तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज वो होम आइसोलेशन के लिए रिक्वायर्ड करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनबीसी 24। धन्यवाद। गया का मशहूर तिलगुड अब पटना में भी, स्वाद के मामले में नंबर 1। हमारे जैसा तिलगुड बनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। साथ ही हमारे यहाँ शुगर फ्री तिलगुड भी है। तो चले आइए पटना के फेमस तिलगुड भंडार श्री राम तिलगुड, तपस्या कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना 1। NBC 24, सच की ताकत।